हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिट मी योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आप में से कई बच्चों ने कमेंट किया था कि सर विच इज बेस्ट, पीईबी या फिर प्रीकास्ट। आइए इस पे फुल एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कौन सा बेहतर है। भाई चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइज पहले तो ये जानो, पीईबी ये है, प्रीकास्ट ये है, दोनों अलग अलग है। क्यों? पीईबी क्या है? ये है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स, जिसको हम सब जाना कहां पर यूज करते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, एयरपोर्ट्स, वेयरहाउसेस, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं, और साथ ही साथ हम लोग जो एयरपोर्ट वगैरह का काम करते हैं, ये सारा कहाँ पे यूज हो रहा है? पीईबी की इंडस्ट्री है। अब बात करते हैं प्रीकास्ट की, तो प्रीकास्ट को कहाँ पे यूज करेंगे? रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, इनका सबसे ज़्यादा जो यूज में है वो रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल में है। साथ ही साथ अपार्टमेंट, जो बड़े बड़े हाई रेंज अपार्टमेंट्स हैं उनमें यूज कर सकते हैं। तो इसकी एक अलग इंडस्ट्री है, एक तरीके से आरसीसी इंडस्ट्री है और एक तरीके से ये स्टील इंडस्ट्री है। स्टील का जो कन्वेंशनल स्टील था उसका कह सकते हैं ऑप्शन है ये पीईबी, और आरसीसी का जो ऑप्शन था वो है प्रीकास्ट। ठीक है जी, प्रीकास्ट जो है प्री टेंशन पोस्ट टेंशन मेथोलॉजी पे काम करता है, और पीईबी मोमेंट मेथोलॉजी पे काम करता है। जहां पर ज्यादा मोमेंट वहां पर ज्यादा स्टील, जहां पर कम मोमेंट वहां पर कम स्टील, ये पीईबी हो गया। जहां पर बड़े सेक्शन की रिक्वायरमेंट है वहां पर पोस्ट टेंशनिंग, जहां पर छोटे सेक्शन की रिक्वायरमेंट है वहां पर प्री टेंशनिंग, ये प्रीकास्ट का मेथोलॉजी हो गया। तो दोनों का कंपेरिजन करना गलत होगा। अब आप डिसाइड करिए कि आपको अगर आरसीसी में इंटरेस्ट है और प्लस आरसीसी के फ्यूचर में इंटरेस्ट है तो आप प्रीकास्ट पर चले जाइए। अगर आपको स्टील में इंटरेस्ट है, और स्टील में ही नहीं, स्टील के फ्यूचर में इंटरेस्ट है, तो फिर आप पीईबी में चले जाइए। तो भाई दोनों का अल्टरनेट है और दोनों ही लाजवाब पैकेज दे रहे हैं, मतलब बेहतरीन पैकेज है दोनों इंडस्ट्री में। अब बात कर लेते हैं कि इनमें जाने के लिए रास्ता क्या हो सकता है। तो वैसे मैं बता चुका हूँ कि प्रीकास्ट के लिए आप अच्छे तरीके से प्रीकास्ट का जो जनरल नॉलेज है तो आपको पता ही रहना चाहिए। उसके लिए मैंने वीडियोज भी बनाए हैं, प्रीकास्ट डाल देना, प्रीकास्ट आकाश पांडे, तो मेरा एक घंटे का लेक्चर है यूट्यूब पे ही, ठीक है? तो वहां से आपको पता चल जाएगा बेसिक ऑफ प्रीकास्ट। फिलहाल प्रीकास्ट में जाने के लिए आपको अच्छे तरीके से ऑटोकैड और रैबिट का नॉलेज होना चाहिए, और अगर आप जाना चाह रहे हो पीईबी के अंदर तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको ऑटोकैड, ऑटोकैड के साथ टेक्ला और स्टैट प्रो, इनका तीनों का अगर नॉलेज रहेगा। इसका एक मर्ज कोर्स मैं लेके आ रहा हूँ, टेक्ला का, टेक्ला स्ट्रक्चर, टेक्ला डिजाइनर, और साथ ही साथ उसके स्टैट प्रो और ऑटोकैड मर्ज कोर्स ला रहा हूँ। यहाँ पर फुल पीईबी सिखाऊंगा, अभी प्रीकास्ट का ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है, लेकिन दोनों ही इंडस्ट्री बेहतरीन है। पैकेज की बात करूं अगर, तो अगर आप एमएनसी से स्टार्ट करते हो तो पीईबी में आपको 20,000 से पैकेज स्टार्ट हो जाएंगे। किसे 20,000 से पैकेज स्टार्ट हो जाएंगे, प्रीकास्ट में आपको 15,000 से 18,000 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें सीखने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है और दोनों ही इंडस्ट्री आगे की बहुत ज़्यादा बूम करने वाले हैं। सो नो कंपेरिजन बिटवीन बोथ, बोथ आर गुड, इट्स अप टू योर इंटरेस्ट। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर आरसीसी इंडस्ट्रीज यू कैन गो फॉर पीईबी, सॉरी फॉर प्रीकास्ट, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर स्टील इंडस्ट्री यू कैन गो फॉर पीईबी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। कंपेरिजन समझ में आया होगा, दोनों ही अलग प्लेटफॉर्म है, सो नो कंपेरिजन, बोथ आर बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छे लगते हैं तो यार थोड़ा शेयर किया करो। शेयर करने से बेनिफिट क्या होता है, लोगों को पता चलता है, लोग आके लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अप्रिसिएशन मिलता है। तो भाई हर किसी को अप्रिसिएशन, मैं आपको बोलूँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप और अच्छे से करोगे। मैं आपको बोलूँ अरे यार एकदम बेकार काम कर रहे हो तो आप लोग अरे यार तुम छोड़ जाने दो। ठीक है जी, तो अप्रिसिएशन के लिए आप लोग कमेंट जरूर किया।